का छुआ भी। इसमें आपको दो दोस्त होते हैं, मैं कहानी शुरुआत करता हूँ। दो दोस्त होते हैं कछुआ और खरगोश, तो उनमें एक दिन बहस होती है। मुन्नाल बैठा लीजिए मैम। नहीं अभी लास्ट हुआ, कहाँ चल रहा है, चल रहा है। उन्होंने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, कहानी आई नहीं हुई है। तो बाद में क्या होता है कि खरगोश जागता है और देखता है कि भाई अभी कछुआ आया नहीं पीछे से, तो बोला चलो मैं अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। तो जैसे ही वहां पहुंचता है देखता है कछुआ पहले से पहुंचा हुआ, तो उसे बड़ा दुख होता है कि काश मैं भी ऐसी मेहनत करता तो अपने लक्ष्य तक इससे पहले पहुंच जाता। तो इस कहानी का जो मोरल है, जो हमारा सीख है, वो ये है कि हमें कभी भी अपना जो काम है लगातार निरंतर कंटिन्यूस करते रहना चाहिए। ये नहीं कि कर लिया और रुक गए। तो कहानी का मतलब यही है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, लगातार करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो उसको आपका फल अवश्य मिलेगा। एक ये भी है, हाँ, किसी को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। एक ये भी हो सकता है, अत्यधिक आत्मविश्वास हानिकारक है। ओवर कॉन्फिडेंस जब आदमी को हो जाता है कि मैं तो, हमारे अधिकतर बच्चे जो होशियार होते हैं वो, अरे मैं तो सब सीख गया, और वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लगातार लगे रहते हैं और उनसे आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे उससे तो